नीलूज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बिल्कुल नया नाश्ता लेकर आई हूँ। इस नाश्ते को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन टेस्टी नाश्ता खाना हो तो थोड़ी मेहनत तो बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इस चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है आधा कप सूजी, जिसे हम रवा भी कहते हैं। आधा कप डालेंगे दही, और दही डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इसे ढककर रख देंगे करीबन 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए, अच्छे तरीके से भीग जाए। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सूजी देखिए किस तरीके से फूल चुकी है, और मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, मतलब सूजी ने पूरा जो दही का मॉइस्चर है उसे सोख कर लिया है। अब हम इस मिश्रण को लेंगे एक ग्राइंडर जार में, और इसके अंदर हम कुछ और सामग्री ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है पालक एक बंच, 7 से 8 कलियाँ लहसुन की, और आधा कप हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को हम इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे। हमने यहाँ पर वंडर शेप का न्यूट्री ब्लेंड मिक्सर का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी अच्छा गैजेट है, जो कि किचन में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, कहीं पे भी ये सेट हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छे से पीस जाए, अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए। और अब हम इसे पीस लेंगे। यहाँ पर इसे स्मूथ पेस्ट होने तक हमें ग्राइंड करना है। तो देखिए, अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब यहाँ लेंगे हम 2 कप गेहूं का आटा। हमने आज गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, ग्राइंड किया हुआ पेस्ट जो हमने अभी बनाया है, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स, ताकि ये हमारी जो रोटी बनने जा रही है वो थोड़ी सी तीखी और चटपटी लगे। अब हमें इसे गूंद लेना है। यहाँ पर हमने जो पेस्ट डाली है उसी में ही हमें ये आटा गूंदना है, लेकिन अगर आपको आटा थोड़ा ड्राई लगे तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने इसका आटा अच्छे तरीके से लगा लिया है। थोड़ा सा डालेंगे ऊपर से तेल और इसे चिकना कर लेंगे, और इसे सेट होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये सेट हो रहा है, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। आज हम बिना प्याज की स्टफिंग बना रहे हैं, लेकिन आपको अगर प्याज का इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने डाला है आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, 1 से 2 चुटकी डालेंगे हींग। हींग से तड़के में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर डालेंगे इसमें हम मीठा नीम, जिसे हम करी लीव्स कहते हैं, लगभग 7 से 8 पत्ते डालेंगे, और इसे हमें अच्छे से तड़कने देना है। और अगर आपको प्याज डालनी हो तो आपको इस स्टेज पे प्याज भी ऐड करनी है। और प्याज के साथ साथ देखिए, हम यहाँ पर मटर के दाने भी ऐड करेंगे, लेकिन हमने प्याज ऐड नहीं की है, डायरेक्ट हमने मटर के दाने ऐड किए हैं, और इसका कलर चेंज होने तक हमने इसे भुना है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो इसमें मैं डालूंगी आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्च है, अगर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर, और इन मसालों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे। जैसे ये भून जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड पोटैटो। यहाँ हमने 4 से 5 आलू लिए हैं, जिसे हमने उबाल कर छिल कर मैश कर लिए हैं। हल्का सा मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले जले नहीं। जैसे ये हल्का सा मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें बाकी की सामग्री डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे नमक स्वादानुसार, हरा धनिया डालेंगे इच्छानुसार, और नींबू का रस डालेंगे आधा, मतलब आधे नींबू का रस डालेंगे, जिससे हमारी स्टफिंग चटपटी, खट्टी, तीखी लगेगी। और देखिए, अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये हमारी जो स्टफिंग है बनकर तैयार हो चुकी है। ना तो ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत पड़ी और ना ही ज़्यादा वक्त। तो ये देखिए, स्टफिंग तैयार है।
अब मैं आपको यहाँ पर पतली पतली रोटियाँ कैसे बनानी है या फिर इसकी शीट कैसे बनानी है ये बताती हूँ। तो देखिए आटा भी सेट हो चुका है और यहाँ पर हमने दो छोटे छोटे नींबू के आकार के साइज़ के हमने दो पेड़े ले लिए हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के लेने हैं। दोनों को थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट करना है और इसकी छोटी छोटी पूरियाँ बना लेनी है। दोनों सेम साइज़ की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम इस पर लगा लेंगे तेल। तेल हमें अच्छे तरीके से लगाना है क्योंकि इन दोनों पूरियों को हमें जॉइंट करके आपस में बेलना है और सीखते वक्त इनको अलग भी करना है, तो तेल इन्हें अलग करने में अच्छा काम करेगा। अब ऊपर से लगाएंगे हम सूखा आटा। आटा भी हमें अच्छे तरीके से लगाना है। अब तेल और आटा अच्छे से लगाएंगे तभी आपकी ये दोनों रोटियां अलग होंगी। अब दोनों को जॉइन करके थोड़ा सा आटा लगाकर हमें इसे बेलना है। बहुत आसानी से ये बेलकर तैयार होता है और देखिए बेलने के बाद बिल्कुल भी फिकर ना करें, ये सीखते वक्त बहुत आसानी से अलग भी हो जाएंगी। तो ये देखिए हमने इसे बेल लिया है, अब हम इसे सेक लेते हैं। और यहाँ पर हमने इसे पतला बेला है, चपाती से भी थोड़ा ज़्यादा पतला। जी हाँ, पतली पतली रोटियाँ बनानी है, लेकिन अगर आपको ये स्टेज करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पतली एक सिंगल रोटी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे सेक रहे हैं और सेकते वक्त हम इसे पूरा नहीं सेकेंगे, थोड़ा सा कच्चा पक्का सेकेंगे। तो देखिए अब हमने इसे फिर से पलट देना है और जैसे ही हम इसे पलटेंगे ये थोड़ी सी फूलने लगेंगी, और जैसे ये फूलने लगेंगी तो इसके दोनों लेयर अलग होने लगेंगी। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से फूल रही है। बस अब हमें हाथ पर लेकर इसे थोड़ा सा पटकना है और देखिए अब ये दोनों जो रोटियां हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी, है ना मैजिकल ट्रिक। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी एक रोटी और सेक कर दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और अगर आपको इसे रात में बनाकर रखना हो सुबह के लिए तो आप बनाकर रख सकते हैं, लेकिन आप इसे ढककर या फिर किसी एयरटाइट कंटेनर पे रखें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी जैसे अभी है। तो ये देखिए मैं दूसरी वाली रोटी भी आपको सेक कर दिखा रही हूँ और ये भी फूलना स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं इसे अलग करके दिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छी लगती हैं ये पतली पतली रोटियां। आप इस रोटी को किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं या फिर किसी नॉनवेज डिश के साथ भी। तो इसी तरीके से मैंने आपको देखिए दो से तीन रोटियां सेक कर मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में कोई परेशानी ना हो और आपको समझ में अच्छे से आए। तो ये देखिए ये भी अब फूल गई है और देखिए थोड़ा सा पटकने के बाद ये अपने आप अलग होना स्टार्ट हो जाती है। तो है ना ये बहुत ही अच्छी रेसिपी। अब इसी तरीके से आपको बना लेनी है सारी पतली पतली रोटियां। हम एक बार बेलते हैं लेकिन एक साथ दो रोटियों का ये दो रोटी बनाकर तैयार करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक ग्लू बनाया है जिसमें मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी, इसे मिक्स कर लिया है। और देखिए शीट को भी मैंने कपड़े में ढक कर रखा है ताकि ये सूख न जाए। अब एक शीट लेंगे, एक पतली रोटी लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप और यहाँ पर ऊपर रखेंगे स्लाइस चीज़। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप प्रोसेस या मोजरेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर लगा देंगे आलू की स्टफिंग, ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है, हल्की हल्की मतलब थोड़ी पतली भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं लगानी है। तो आपको जितनी स्टफिंग अच्छी लगे आप लगा सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। और देखिए इस ग्लू से जो हमने मैदे का जो पेस्ट बनाया है इसे इसके जॉइंट्स को चिपका देना है और इस तरीके से इसे फोल्ड करना है ताकि इसमें स्क्वायर शेप आ जाए। अब देखिए ये हमारे पॉकेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बने हैं। और इसी तरीके से हमें सारे पॉकेट्स रेडी कर लेने हैं। और अगर आपको इस तरीके से पॉकेट बनाकर फ्रिज में रात को रखना हो तो भी आप रख सकते हैं, सुबह आप इसे फटाफट फ्राई करके दे सकते हैं। तो चलिए हमने इसी तरीके से सारे पॉकेट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छी तरीके से हमें पैन में फैला देना है
ताकि ये जो हमारे पॉकेट्स हैं ये अच्छे तरीके से फ्राई हों। तो देखिए अब हमने ये पॉकेट्स डाल दिए हैं और इसे शैलो फ्राई करना है हल्का करारा क्रिस्पी कलर आने तक। तो यहाँ पर आपको धीमे धीमे आँच पर मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे करारा होने तक सेक लेना है और जैसे ये क्रिस्पी और करारे होंगे तभी आपको इसे गर्मा गर्म सर्व करना है, क्योंकि शीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है तो थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट होने लगेंगे, तो आपको इसे गर्मा गर्म ही सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी और चीज़ी ये पॉकेट्स बनकर तैयार हुए हैं। तो आज की ये हमारी हेल्दी रेसिपी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।